तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे सच कहूँ तो मैंने कुछ नहीं किया, सच कहूँ तो वो तुमसे 100 गुना सुंदर थी, सच कहूँ तो मैं किसी से बात करने की मूड में नहीं हूँ। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है सच कहूँ तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए टू बी ऑनेस्ट का यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है सच कहूँ तो। इस संटे में आए का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसे लिखेंगे, सेंटेंस जिस टेंस का होगा उसे उस टेंस में बनाएंगे। आपको जो एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है सच कहूँ तो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट गोइंग देयर, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट गोइंग देयर। अगला सेंटेंस सच कहूँ तो तुम बहुत सुंदर हो, तो इसकी इंग्लिश होगी टू बी ऑनेस्ट यू आर सो ब्यूटीफुल, टू बी ऑनेस्ट यू आर सो ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस सच कहूँ तो मैंने कुछ नहीं किया, तो इसकी इंग्लिश होगी टू बी ऑनेस्ट आई डिडेंट डू एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट डू एनीथिंग। अगला सेंटेंस सच कहूँ तो वो तुमसे प्यार करती है, तो इसकी इंग्लिश होगी टू बी ऑनेस्ट सी लव्स यू, टू बी ऑनेस्ट सी लव्स यू। अगला सेंटेंस सच कहूँ तो वो झूठ बोल रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी टू बी ऑनेस्ट ही इज टेलिंग अ लाई, टू बी ऑनेस्ट ही इज टेलिंग अ लाई। अगला सेंटेंस सच कहूँ तो मैं उस दिन जल्दबाजी में था, तो इसकी इंग्लिश होगी टू बी ऑनेस्ट ऑन डैट डे आई वाज इन अ हरी, टू बी ऑनेस्ट ऑन डैट डे आई वाज इन अ हरी, इन अ हरी। यह एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जल्दबाजी में। अगला सेंटेंस सच कहूँ तो वो तुमसे 100 गुना अच्छा है, तो इसकी इंग्लिश होगी टू बी ऑनेस्ट ही इज 100 times बेटर देन यू, 100 times। इसका मतलब होता है 100 गुना, टू बी ऑनेस्ट ही इज 100 times बेटर देन यू। अगला सेंटेंस सच कहूँ तो वो तुमसे 100 गुना सुंदर थी, तो इसकी इंग्लिश होगी टू बी ऑनेस्ट सी वॉज 100 times ब्यूटीफुल देन यू, टू बी ऑनेस्ट सी वॉज 100 times ब्यूटीफुल देन यू। अगला सेंटेंस सच कहूँ तो मैं किसी से बात करने की मूड में नहीं हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी टू बी ऑनेस्ट आई एम इन नो मूड टू टॉक टू एनी वन, टू बी ऑनेस्ट आई एम इन नो मूड टू टॉक टू एनी वन। अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है सच कहूँ तो वह यहाँ आना नहीं चाहती है, तो इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। यदि वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा एक कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।